Professor, please. Sister, please. Kuch to bataiye, sister. Doctor sir. Doctor Prajita, main Doctor Irwin. Doctor, idhar ek bahut serious case hai, aap turant aaiye. Thank you, doctor. Doctor, please, please tell me what happened. अभी डॉक्टर अपराजिता आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। रामू, रामू रो मत, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। हैप्पी बर्थडे पापा। ओ, आज 1 सितंबर है। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज हमारा जन्मदिन है। थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स। अपराजिता, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। हमारी अपनी बेटी होती तो वो भी इतना। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ? नहीं नहीं, वो बात नहीं। तुम तो अपनों से बढ़कर भी अपनी हो। तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? हाँ पापा, मैं ही आपकी बेटी, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर हूँ, और आप ही मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त हैं, है ना? चलिए चलिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हमें सबसे पहले मंदिर जाना है, और उसके बाद आपने मुझे अच्छा सा लंच कराना है। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कितने साल बीत गए। तुम कितनी नन्ही मुन्नी थी जब मेरे पास आई थी। ओ पापा, लगता है जैसे कल की बात। कल की वो नन्ही मुन्नी आज की डॉक्टर अपराजिता है, अ वेल नोन डॉक्टर ऑफ द सिटी। सोचता हूं कितने मजे में तुम्हारे साथ इतने दिन बीते। जब तुम अपने घर चली जाओगी तो तुम्हारा ये बूढ़ा बाप कैसे जिएगा बेटे? ओ पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो पहले आप ये बताइए कि आप हमें लंच पर लेके कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले हम अस्पताल चल रहे हैं। वो कल वाला केस, he's a very important person and serious also.
Do you know he is Vijay Pratap Singh? हाँ. जिन्होंने इस हॉस्पिटल को बनवाया है. अच्छा. उसके अलावा उन्होंने न जाने कितने स्कूल, कॉलेज और डिस्पेंसरीज खुलवाई. He is a noted person of the city. Thank God, Papa, he saved. लेकिन आपको कैसे पता चला ये? कल रात ही मुझे इनफॉरमेशन आ गई थी जब तुम हॉस्पिटल से लौट रही थी. अच्छा अच्छा पापा, अब मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर. ओके, तुम चलो, हम भी पहुंच रहे हैं. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. गुड मॉर्निंग. पेशेंट विजय प्रताप सिंह कैसे? अच्छा, वो डॉक्टर साहब आप आ गए. उस पेशेंट ने तो बहुत ही परेशान कर रखा है. अच्छा, चलो मैं देखती हूँ. ले जाओ ये सब, ले जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, get out. उसे भेजो जिसने मुझे बचाया है. I will see him. मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता. Relax, उमर साहब, relax. हेलो मिस्टर विजय, अब कैसे हैं आप? लगता है मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं. ओह, शायद इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ने आपको और ज्यादा परेशान कर दिया. हमारी जिंदगी हमारी अपनी है, हम जो भी चाहे कर सकते हैं. आखिर हमारी पर्सनल लाइफ को हेडलाइन बनाने की क्या जरूरत है? You're quite right, Mr. Vijay. लेकिन आप शहर की जानी मानी हस्ती हैं. You are a social figure. और इसीलिए आपकी जिंदगी पर दूसरे लोगों का भी हक है. और आपके इस suicide attempt से सबको बहुत दुख पहुंचा है. Doctor, if you don't mind, can I smoke? Not at all. How is he? He's all right now. Good morning, doctor. Good morning. Hello, young man. Looking quite fresh today. Thank you, doctor. Doctor, मैं अब घर जाना चाहता हूँ. डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत परेशान हैं. पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर घर चलते हैं. He is looking better now. अब आप कल घर जा सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर अंकल, थैंक यू वेरी मच. जीते रहो बेटा. हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है ना मां, हमें माफ कर दीजिएगा. अपनी इस गुड़िया को भी रुलाया है. चलो बेटा अंदर चलो. आइए. मैनेजर साहब जी, आज मैं बहुत खुश हूँ. ईश्वर ने हमारी सुन ली. मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहूंगी जिसने हमारे बेटे को नया जीवन दिया है. जी बहुत अच्छा. मैं अभी डॉक्टर प्राजदा को यहाँ बुलवाने का बंदोबस्त करता हूँ. विजय साहब ठीक है. चलो बेटा अपने कमरे में चल के आराम कर लो. चलिए भैया, मैं आपको ले चलती हूँ. आराम से लेटिए और मैं जल्दी से आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनवाती हूँ. बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस. हर शैतान, बड़ी मुश्किल से तो उस हॉस्पिटल के खाने से जान छूटी. ठीक है ठीक है, मेन्यू चेंज. हमारे भैया के लिए स्पेशल देखती लंच. ठीक है.
विजय, ओह विजय, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत बहुत, इतना कि तुम्हारी धड़कनों में समा न सके, तुम्हारी बाहें थाम न सके, तुम्हारी नजरें देख न सके। हरी, अब आप पति पत्नी के रूप में बन चुके हैं, अब ईश्वर के समक्ष आप शपथ लीजिए कि सुख और दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। विजय, विजय बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो ठीक है बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मैं जब भी अकेला होता हूँ, करुणा आकर मेरा सुख चैन छीन लेती है। मुझे जीने नहीं देगी वो माँ, वो मुझे जीने नहीं देगी। ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम भी कौन मिलने आया? बेटी, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। घबराइए मत माँ जी, थोड़ी सी नर्वसनेस है, मैं एक दवाई लिख देती हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है बेटी, तुम लिख दो, मैं अभी मंगवा लेती हूँ। ले लीजिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमें अफसोस है, हमने आपको बहुत परेशान कर दिया। बहुत तो नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा। जानते हैं अभी यहाँ आते हुए रास्ते में मैं क्या सोच रही थी? क्या? यही कि मैं इतने बड़े आदमी विजय प्रताप सिंह से मिलने जा रही हूँ, जो इस समय बहुत से लोगों से घिरा हुआ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। प्रॉब्लम बन चुका है डॉक्टर, वो दूसरों की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा? बहुत टूट चुके हैं, अब हमसे इस जिंदगी का बोझा नहीं होता। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर विजय, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये हंसती मुस्कुराती जिंदगी आपको बोझ क्यों लगने लग गई? बिल्कुल जान सकती हैं डॉक्टर, लेकिन इसके लिए आपको हमारी पिछली जिंदगी में झांकना पड़ेगा। कल्पना नाम था उसका, कल तक हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारे सपने, हमारा अरमान, सब कुछ थी वो। लेकिन जैसे बड़े से बड़ा जौहरी भी हीरे और कांच को पहचानने में मात खा जाता है, ऐसे ही मात दी उस कांच के टुकड़े ने हमें। हेलो, who's speaking? हेलो कल्पना, कैसी हो? तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम कुछ जरूर से ज्यादा ही खुश हो। ओ राजवीर, कहो कैसे फोन किया? भाई हमें तुम्हारे पति की बहन रचना बहुत पसंद आ गई। शट अप, क्या तुम भूल गए कभी तुमने भी मुझसे प्यार किया था? पर इंतजार तुम्ही से नहीं हुआ, तुम मुझे भूल गई कल्पना, लेकिन मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल सका। अब जल्दी से मेरे रचना से फेरे करवा दो ताकि तुम्हारे भी दर्शन हो जाए। अमोन राजवीर, ये सब बातें टेलीफोन पे नहीं हो सकती हैं। एक काम करो, तुम मुझे कहीं पे मिलो, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वैसे इस विजय को उल्लू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कल्पना। ओके। किसका फोन था? मेरी फ्रेंड वंदा का फोन था। तुम जैसी लड़की किसी के खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कल्पना को थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर विजय प्रताप, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
और फिर कल्पना से हमारी मुलाकात कोर्ट में हुई और हम पति पत्नी से डाइवर्सी बन गए और अब आपने हमें मजबूर कर दिया है दिल पे लगे इन जख्मों को सहते रहने के लिए। शायद आपकी डॉक्टरी में भी कोई इलाज नहीं इन जख्मों का। इसका इलाज तो खुद आपके पास है मिस्टर विजय। अभी तक आप अपने लिए जीते रहे, अब दूसरों के लिए जीकर देखिए, फिर देखिएगा कितनी खूबसूरत बन जाती है ये जिंदगी। शायद आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर, लेकिन कोई तो चाहिए जो विजय प्रताप सिंह के बारे में सोचे। बेटी तुम कहां से आ रही हो? पापा मैं आज विजय प्रताप जी के घर गई थी। उनकी माँ और बहन रचना से मिलकर आ रही हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश तो नहीं हूँ पर हैरान जरूर हूँ। इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग, फिर अपना बसा बसाया घर छोड़कर विजय जी की पत्नी कल्पना क्यों चली गई? ओ बेटे, कल्पना जैसी औरतों को घर कभी रास नहीं आता। मैं तो एक आजाद पंछी की तरह इधर से उधर उड़ना पसंद करती हूँ। लेकिन सारा दिन आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरने के बाद जब सांझ होती है ना, तो हर पंछी को अपना नीड याद आता है। फिर ना आकाश की चाह होती है ना मुक्ति की। अरे अरे, मेरी बेटी तो डॉक्टर से फिलोसफर बन गई। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। चलिए अंदर चले, चलिए खाना खाने चलते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग बेटे। डॉक्टर मैं छुट्टी हो गई, मैं घर जा रही हूँ। अरे वाह, दैट्स नाइस। हमसे मिलने कब आओगे? कल। कल? नमस्ते, बाय। बाय। अरे मिस्टर विजय, आप? जी बस मैं इधर आया था, सोचा आपको थैंक्स करता चलूं। थैंक्स कैसा? थैंक यू सो मच। लगता है आप कहीं जा रही हैं। जी ओके, मैं चलता हूं। बाय। विजय प्रताप सिंह जी हॉस्पिटल आए थे, मुझे थैंक्स कहने। अच्छा, विजय की माताजी का भी फोन आया था बेटे। आज शाम को वो हमारे घर आ रही, तुम घर पर ही रहना। अच्छा पापा। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी ने हमारे बेटे को जीवन दान दिया है। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां हमें भारी लगने लगी है। हम विजय को संभाल नहीं पाते हैं। हम उसे अपराजिता के हाथों में सौंपकर निश्चिंत होना चाहते हैं। क्या आपको हमारी ये इच्छा कबूल होगी? आपकी इच्छा हमारे सर माथे पर, ये तो हमारा हमारी बेटी का सौभाग्य होगा। क्यों बेटी? शर्मा रही है। माँ से कैसा शर्माना बेटी। लो बेटी, आज से तुम हमारी अमानत हुई। डॉक्टर साहब, बेटी हमारे घर से ही तैयार होगी।
चैन हो रही हूँ। आप यहाँ से जल्दी से निकलने की तैयारी करवाइए। आप चिंता मत कीजिए, मंदिर में पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। बस आप अपराजिता बेटी को जल्दी तैयार करवाइए। ठीक है, मैं अभी करवाती हूँ। चलो आओ बेटे। बेटा जल्दी करो, मंदिर जाने का समय हो गया है। अंकल हम लोग हैं कितने, 4-5 लोग हैं, चले जाएंगे। अरे भाई डॉक्टर साहब है कहाँ? वो रचना उनको तैयार कर रही है। बेटी ये हमारी खानदानी विरासत है, इसे संभालना आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम लोग जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, विजय प्रताप बोल रहा हूँ। विजय मैं कल्पना बोल रही हूँ। तुम विजय प्लीज फोन मत रखना। विजय मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अपने घर हमेशा के लिए। विजय मैंने अपना घर छोड़कर बहुत बड़ी भूल की। विजय इसका एहसास मुझे अब हुआ। विजय इसकी सजा भी मिल चुकी है। विजय मैं अब थक चुकी हूँ। विजय मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, अपने घर में माँ जी के साथ रहना चाहती हूँ, रचना के साथ रहना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ। मुझे हेलो हेलो हेलो
क्या है भाभी? जी माँ जी, ये सब क्या है बेटी? ये कहने क्यों लौटा रही हो? क्योंकि इनकी असली हकदार आपकी बहू कल्पना घर लौट कर आ रही है माँ जी। मैंने विजय और कल्पना की फोन पर सारी बातें सुन ली है। अपराजिता, जो तुम कह रही हो क्या वो सच है बेटा? हाँ बाबा, याद है आपको मैंने एक दिन कहा था, पंछी चाहे जितना भी ऊपर उड़ ले, एक दिन थक हार कर उसे घर वापस लौटना ही पड़ता है। कल्पना को भी अपनी भूल का एहसास हो गया है। माँ जी, आप कल्पना को अपना लीजिए। आपके घर के आंगन में खुशियों के फूल एक बार फिर खिल उठेंगे। नहीं बेटी नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी कोई बहू नहीं है। जो औरत एक बार घर की मर्यादा की दहलीज को लांघ लेती है वो लौट के इस घर में नहीं आ सकती। इस खानदान की बहू अपराजिता ही बनेगी। नहीं माँ जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर जिंदगी देता है, जिंदगी लेता नहीं है। और फिर मैं एक औरत भी हूँ। औरत घर बसाती है, उजाड़ती नहीं है। पापा चले। अपराजिता, तुम सचमुच अपराजिता।